हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका BPSC-64 मेंस के नए क्रैश कोर्स में। तो पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांतों के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया था। और इस वाले टॉपिक्स में मैं भी हम लोग जो भी बचे हुए टॉपिक्स हैं उसे कवर करूँगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये कोर्स हिंदी में डिजाइन किया गया है। इसमें हम कवर करेंगे पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, जिसमें इंक्लूड होगा बिहार। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। और इसमें जो भी टॉपिक्स सेलेक्ट किए जाएंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रख कर किए जाएंगे। ठीक है, तो हम पॉलिटी कवर कर रहे हैं अभी, भारतीय राज्य व्यवस्था और बिहार की राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे हम भारतीय राज्य व्यवस्था से कर रहे हैं। और अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है क्या, DPSP, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा अभी का जो DPSP है या पुराने वाले DPSP से बहुत अंतर है, यानी कि कुछ नए निदेशक तत्वों को जोड़ा गया था, उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। और आगे हम बढ़ते हैं, तो आज हम बेसिकली देखेंगे कि निदेशक सिद्धांतों के पीछे क्या संस्तुति रही थी। ठीक है, तो हमारे संवैधानिक सभा के संवैधानिक सलाहकार, जिनका नाम है सर बीएन राव, इन्होंने संस्तुति की थी कि व्यक्तिगत अधिकार को दो श्रेणियों में बांट दिया जाना चाहिए, एक न्यायोचित होनी चाहिए, दूसरी गैर न्यायोचित होनी चाहिए। ठीक है, तो जिसे प्रारूप समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, और जो भी न्यायोचित प्रकृति वाले थे उसे भाग तीन में रख दिया गया, जो कि मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट। और भाग चार में DPSP यानी निदेशक तत्वों को गैर न्यायोचित की श्रेणी में रखा गया। ठीक है, यद्यपि निदेशक तत्व गैर न्यायोचित हैं, ये गैर न्यायोचित हैं, फिर भी संविधान के अनुच्छेद 37 में ऐसा स्पष्ट रूप से कहा गया कि ये तत्व देश के शासन हेतु मूलभूत है। ठीक है, ये तत्व देश के शासन में मूलभूत है, ऐसा अनुच्छेद 37 में कहा गया। ठीक है, इनके अनुप्रयोग यानी इनका प्रयोग के लिए राज प्राधिकारियों पर नैतिक दायित्व अध्यारोपित करता है। मतलब इसको जब भी प्रयोग करे तो राज्य को यह दायित्व होनी चाहिए कि वह नीति निदेशक तत्वों को ध्यान में रखकर नीतियां बनाए, कानून बनाए। ठीक है, उसी तरह हमारे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है, जिन्होंने कहा था लोगों के लिए उत्तरदायी को भी मंत्रालय संविधान के भाग चार में वर्णित उपबंधों की अवहेलना नहीं कर सकता, ऐसा कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा था। उसी तरह हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी लोग कहा कि लोकप्रिय मत पर कार्य करने वाली सरकार इसके लिए नीति बनाते समय निदेशक तत्वों की अवहेलना नहीं कर सकती। ठीक है, ये वाले जो पॉइंट है, ठीक है, नहीं कर सकती, तो सरकार इनकी अवहेलना करती है तो निर्वाचन समय में उसे मतदाताओं के समक्ष इसका उत्तर अवश्य देना होगा, ऐसा इन्होंने कहा। तो समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी बात कह दी इन्होंने। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे पूछे जा सकते हैं, जैसे संविधान निर्माताओं ने निदेशक सिद्धांतों को गैर न्यायोचित, ठीक है, गैर न्यायोचित एवं विधि रूप से लागू करने की बाध्यता वाला नहीं बना, ऐसा क्यों, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो हमारा निदेशक सिद्धांत है, निदेशक तत्व, उसे गैर न्यायोचित क्यों बनाया गया। मतलब कि हम लोग अगर निदेशक तत्व लागू नहीं कर रही है सरकार, तो हम को किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ये गैर न्यायोचित है, न्यायोचित नहीं है, न्यायोचित केवल फंडामेंटल राइट ही है, यानी हमारा मौलिक अधिकार ही केवल न्यायोचित है, लेकिन हमारा जो DPSP है वो गैर न्यायोचित है। तो ये गैर न्यायोचित ऐसा हमारे संविधान निर्माताओं ने क्यों बनाया, इसके पीछे क्या कारण थे, तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इन्हें आपको नोट कर लेनी चाहिए। जैसे कि पहला पॉइंट्स है, उस समय हमारे यहाँ पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं थे, ठीक है, जिससे कि हम लोग
जो भी नीतियां हो इसे लागू कर सके, जो भी हमारे डीपीएसपी में उल्लेख किया गया है उसे हम लागू कर सके। उस समय हमारे देश में क्या नहीं थी, वित्तीय संसाधन नहीं थे पर्याप्त, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारे यहाँ क्या है, हमारे देश में विविधता है, व्यापक विविधता है, साथ ही साथ पिछड़ापन है, ठीक है, जिसके कारण इनके क्रियान्वयन में बहुत ही बाधक हो सकती थी। तो ये थी दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है स्वतंत्र भारत को नए निर्माण के कारण इसे कई तरह के भारों से मुक्त रखना होगा, ताकि उसे इस बात के लिए स्वतंत्र रखा जाए कि उनके क्रम समय स्थान पूर्ति का निर्णय लिया जा सके, ठीक है। तो इन बातों को भी ध्यान में रखा गया कि चूँकि हमारा जो भारत है वो अभी अभी स्वतंत्र हुआ है, तो इसे अभी नए भारत का निर्माण करना है, तो नए भारत को निर्माण करने के लिए इन्हें कई सारे भारों से मुक्त होना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। तो इसलिए भी इसे गैर न्यायोचित एवं विधि रूप से लागू करने की बाध्यता वाला नहीं बनाया, ठीक है। तो ये थी तीन पॉइंट्स। आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे हम पढ़ेंगे कि निदेशक तत्वों की आखिर क्या उपयोगिता है, इसके यूजेज क्या हैं, क्या यूटिलिटी है। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 37 यानी कि 37 में उल्लेखित है कि ये राष्ट्र के शासन हेतु क्या है, मूलभूत है, ठीक है। तो उसी तरह हमारा एक जाने माने निर्णायक और कूटनीतिक LM सिंह भी, इनके अनुसार निदेशक तत्व संविधान को जीवन देने वाली व्यवस्थाएं हैं, ठीक है। तो ऐसा इन्होंने कहा, संविधान के आवरण और सामाजिक न्याय में इसका दर्शन है। उसी तरह हमारे एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं MC चांगला, उनके अनुसार यदि इन सभी तत्व का पूरी तरह पालन किया जाए तो हमारा देश पृथ्वी पर स्वर्ग की भांति लगने लगेगा। सोच रहे हैं कितनी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो ये उपयोगिता ही तो है इसके, ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं कि अगर इसको यूज किया जाए तो हमारा पृथ्वी जो है स्वर्ग की भांति लगने लगेगा, ठीक है। उसी तरह हमारे एक सर BN राव थे जो कि संविधान सभा के निदेशक थे, उन्होंने कहा निदेशक तत्वों को राज प्राधिकारियों के लिए नैतिक आवश्यकता एवं शैक्षणिक मूल्य वाला बतलाया, उन्होंने ये बतलाया, ठीक है। और देखिए इनकी उपयोगिता क्या है, तो पहले उपयोगिता ये है, पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ये जो हैं अनुदेशों की तरह है, ठीक है, ये भारतीय संघ के अधिकृतों को संबोधित सामान्य संस्तुतियाँ हैं, ये उन्हें उन सामाजिक एवं आर्थिक मूल सिद्धांतों की याद दिलाते हैं जो संविधान के लक्ष्यों की प्राप्ति से जुड़े हैं, ठीक है, जो कि एक संविधान के लक्ष्य के प्राप्ति से जुड़े हैं, बेसिकली यही ना, जो कि हमारे सामाजिक एवं आर्थिक मूल सिद्धांत की याद दिलाते हैं, ठीक है। ये न्यायालयों के लिए उपयोगी मार्गदर्शक है, दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आप भूल जाना लेकिन इसे याद रखना। देखो ये जो है हमारे जितने भी न्यायालय हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, उनके लिए ये एक उपयोगी मार्गदर्शक है, ठीक है। ये न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में सहायता करते हैं, ठीक है, ये जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति है हमारे जितने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को, वो इनमें सहायता करती है हमारे DPSP, जो कि विधि की संवैधानिक वैधता के निर्धारण वाली शक्ति होती है, ठीक है। तो इस तरह से इसकी उपयोगिता है। और भी कुछ पॉइंट्स हैं, ये सभी राज क्रियाओं की विधायिका या कार्यपालिका के लिए प्रभुत्व पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं और न्यायालयों को कुछ मामले में दिशा निर्देशित भी करते हैं। जैसे इसमें जितने भी निदेशक तत्व जुड़े हुए हैं वो कुछ कुछ मामलों में न्यायालय को भी निर्देश देते हैं सरकार, ठीक है। मान लो इसमें कुछ लिखा हो गया कि सामाजिक उत्थान करना लोगों की,
तो मान लो हम नीति मान लो मान लीजिए सरकार नीति बनाई समाज से रिलेटेड कमज़ोर वर्गों के लिए, और उसमें हमारा उच्च न्यायालय कुछ अड़चन लगा देती है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी सरकार कह सकती है कि ये देखिए हमारे DPSP में ये कहा गया है, तो हमें सामाजिक स्थिति को सुधारनी चाहिए, हमें ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके का सहारा ले सकती हैं हमारे जो भी राज्य विधायिका हो कार्यपालिका हो, ठीक है। तो इस तरह से न्यायालयों को कुछ मामलों में दिशा निर्देश दे सकती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये प्रस्तावना को विस्तृत रूप देते हैं जिनसे भारत के नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के प्रति बल मिलता है। प्रस्तावना में भी ये इंक्लूड है, ठीक है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। इनके निम्नलिखित भूमिकाएं भी अदा करते हैं, क्या नहीं मालूम? हाँ, तो हम देख रहे थे ये निम्नलिखित भूमिकाएं भी अदा करते हैं, ठीक है, मतलब ये कुछ और भी भूमिकाएं अदा करती हैं जिनका उपयोग हम लोगों को DPSP को लेकर रहता है, ठीक है। तो पहला क्या है कि ये राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रों की घरेलू और विदेशी नीतियों में स्थायित्व और निरंतरता बनाए रखते हैं भले ही सत्ता में परिवर्तन हो जाए, ठीक है। यानी ये जो DPSP है वो हमारे राजनीतिक हो या आर्थिक हो या सामाजिक हो, इन इन क्षेत्रों में घरेलू हो घरेलू एंड विदेश नीतियों को मतलब स्थायित्व प्रदान करती हैं, मतलब ये हमेशा चलता ही रहता है, ठीक है, ये हो गया। दूसरा पॉइंट है, ये नागरिकों के मूल अधिकारों के पूरक होते हैं, ये जो हमारा फंडामेंटल राइट है उस वो एक मतलब एब्सोल्यूट नहीं है, उसको एब्सोल्यूट बनाता है कौन, तो हमारा DPSP, ठीक है, मतलब वो पूरक नहीं है, केवल फंडामेंटल राइट की बात करें तो वो केवल पूरक नहीं है जब तक कि हम लोग DPSP की बात ना करें, ठीक है। तो ये भाग तीन में सामाजिक आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था करते हुए रिक्तता को पूरा करते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, मूल अधिकारों के अंतर्गत नागरिकों द्वारा इनका क्रियान्वयन पूर्ण एवं उचित लाभ के पक्ष में माहौल उत्पन्न करता है, ठीक है। राजनीतिक लोकतंत्र बिना आर्थिक लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं होता है, जैसा कि आप भी जानते हैं कि राजनीतिक लोकतंत्र ही क्या जब उसमें आर्थिक लोकतंत्र ही ना हो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि केवल धन जो किसी खास एक ही लोगों के पास संकेंद्रण हो रहा है, केंद्रित हो रहा है, उसे हर एक लोगों के पास बराबर भागों में वितरण होनी चाहिए हर एक चीज़ का, तो इस तरह से ही हम लोग आर्थिक लोकतंत्र प्राप्त कर पाएंगे, तभी हमारा राजनीतिक लोकतंत्र भी हो पाएगा, ठीक है। ये विपक्ष द्वारा सरकार पर नियंत्रण को संभव बनाते हैं, ठीक है, और ये क्या विपक्ष के लिए बहुत काम का चीज़ है, ताकि सरकार को जवाबदेही सुनिश्चित किया जा सके, तो उन वो प्रश्नकाल में हमेशा उन लोग वाद विवाद में कुछ कुछ बातें रखती है कि आप लोगों ने समाज के लिए क्या किया, नहीं किया, कमज़ोर वर्गों के लिए क्या किया, जबकि हमारे संविधान के भाग चार के मूल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये उल्लेखित है कि आपको ये करना है, तो फिर आपने क्या किया, क्यों नहीं किया, ठीक है। तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये विपक्ष द्वारा सरकार पर नियंत्रण को संभव बनाते हैं, ठीक है। विपक्ष सत्तारूढ़ दल पर निदेशक तत्वों का विरोध कर एवं इसके क्रियाकलापों के आधार पर आरोप लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने बतला दिया, ठीक है, सत्तारूढ़ दल पर निदेशक तत्वों का विरोध कर सकते हैं। ये सरकार के प्रदर्शन की कड़ी परीक्षा करते हैं, ठीक है, सरकार के प्रदर्शन की कड़ी परीक्षा करते हैं, जैसे कि बतला दिया, वो पूछ सकता कि आप समाज के लिए क्या क्या नहीं किए वगैरह वगैरह, ठीक है, जो भी निदेशक तत्व दिया हुआ है उसके बारे में क्वेश्चन लेके वो पूछ सकते हैं। ये आम राजनीतिक घोषणा पत्र की तरह होते हैं, क्या होते हैं, ये जो होते हैं एक आम राजनीतिक घोषणा पत्र की तरह होते हैं। एक सत्तारूढ़ दल अपनी राजनीतिक विचारधारा के बावजूद विधायिका एवं कार्यपालिका कृत्यों में इस तथ्य को स्वीकार करता है कि ये तत्व इसके प्रदर्शक, दार्शनिक और मित्र हैं, ठीक है। तो ये कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको नोट कर लेनी चाहिए और उसे लिख लेनी चाहिए,
उसको लिखने के लिए आपको कुछ इस तरह के हेडिंग्स बना लेने चाहिए कि निदेशक तत्वों की उपयोगिता क्या है। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर 10 पॉइंट निकाल लें, 10-15 पॉइंट, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, इसे रट लीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कि निदेशक तत्वों की क्या उपयोगिता है, कहाँ तक यह फायदेमंद है, या जो भी इस तरह से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम अगले टॉपिक्स की ओर चलेंगे, और अगला जो मेरा टॉपिक्स होगा वो है फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी के मध्य अंतर। कहने का मतलब ये है कि हमारे मौलिक अधिकार और जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं उनके बीच क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मूल अधिकार है तो एक तरफ है हमारा निदेशक तत्व, तो मूल अधिकार ये नकारात्मक है। ठीक है, जैसा कि ये राज्य के कुछ मामलों पर कार्य करने से प्रतिबंधित करते हैं, मूल अधिकार नकारात्मक है जैसा कि ये राज्य के कुछ मसलों पर कार्य करने से प्रतिबंधित करते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगर राज्य के मामले मतलब राज्य को मद्देनजर रख कर अगर हम देखें तो ये एक तरीके का नकारात्मक है। ठीक है, वहीं अगर हम ये निदेशक तत्वों के मामले में देखें, ठीक है, तो ये सकारात्मक है। कैसे? राज्य को कुछ मसलों पर इनकी आवश्यकता होती है। ठीक है, राज्य को कुछ मसलों पर इनकी आवश्यकता होती है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दूसरी तरफ है, एक मिनट, खैर छोड़िए, ओके, सॉरी फॉर दैट। तो हम बहुत बात कर रहे थे कि मूल अधिकार ये राज्य के मामले में नकारात्मक है, जबकि हम निदेशक तत्व की बात करें तो ये सकारात्मक। ठीक है, राज्यों को कुछ मसलों पर इनकी आवश्यकता होती है। वहीं मूल अधिकार ये न्यायोचित है, जबकि हमारा जो डीपीएसपी है वो क्या है, गैर न्यायोचित है। ठीक है, यानी कि मूल अधिकार का जब हमारा हनन हो तो हम न्यायालय में जा सकते हैं, न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जा सकता है। ठीक है, वहीं अगर हमारा डीपीएसपी यानी इन्हें कानून रूप से न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, अगर हम डीपीएसपी की बात करें तो। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि इनका उद्देश्य देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना है, जबकि हमारा जो डीपीएसपी है वो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। ठीक है, यानी सामाजिक और आर्थिक दोनों, जबकि हमारा फंडामेंटल राइट जो है केवल लोकतांत्रिक राजनीति की व्यवस्था करता है। ये फंडामेंटल राइट कानूनी रूप से मान है, लेकिन अगर हम डीपीएसपी की बात करें तो नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है इसे। ठीक है, मूल अधिकार क्या है? ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये व्यक्तिगत हैं, मतलब हर एक लोगों को मौलिक अधिकार प्राप्त है ना। जैसे हम हैं तो हमारे साथ कुछ गलत हुआ तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, तो ये हमारा मूल अधिकार है। ठीक है, हमें बोलने की आज़ादी है, पढ़ने की आज़ादी है, घूमने की आज़ादी है, तो ये व्यक्तिगत मामला भी है। ठीक है, उसी तरह अगर हम निदेशक तत्व की बात करें तो ये समुदाय के कल्याण यानी संपूर्ण समुदाय जो समाज होता है उसके कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं, इस तरह ये समाजवादी है। ठीक है, इनको लागू करने के पीछे विधान की आवश्यकता नहीं है, ये स्वतः लागू है, इसके लिए आपको कानून बनाने की सब आवश्यकता नहीं है। फंडामेंटल राइट के लिए ये स्वयं लागू है, इन्हें लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है, जबकि अगर हम डीपीएसपी की बात करें तो इसे लाने के लिए हमें कुछ कानून या विधान बनाने पढ़ते हैं। ठीक है, कोई नीतियाँ लानी पड़ती है, तो इस तरह ये स्वतः लागू नहीं होते।
मूल अधिकार न्यायालय इस बात के लिए बाध्य है कि किसी भी मूल अधिकार को हनन की विधि को वह गैर संवैधानिक एवं अवैध घोषित कर सकता है। अगर हमारा मूल अधिकार हनन हो तो हम वैसे विधि को, हम नहीं मतलब न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो भी, अगर मूल अधिकार का हनन हो तो वो वैसे लॉ को यानी विधि को वह गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकते हैं, जबकि निदेशक तत्व का उल्लंघन करने वाली किसी भी विधि को न्यायालय में असंवैधानिक और अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। ठीक है, वैधता को इस आधार पर सही ठहराया जा सकता है कि इस निदेशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए लागू किया गया था। ठीक है, तो पहला जो मेन डिफरेंस है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। जैसे अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट की, तो ये न्यायोचित है, जबकि डीपीएसपी क्या है, गैर न्यायोचित है। तो ये था लास्ट, और इसी के साथ हमारा जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है वो समाप्त होता है। अब हम अगला चैप्टर करेंगे, और अगला चैप्टर होगा इमरजेंसी प्रोविज़न, आपातकालीन प्रबंध। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे अगले चैप्टर में। ठीक है, तो ठीक है, बाय। और हाँ, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू।